अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सनावला। आज हम मैथमेटिक 113 में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें कहा गया है फाइंड द 17th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द 17th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फोर्थ टर्म इज 5। अब एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी हमने 17वीं जो है वो रकम मालूम करनी है और उसकी चौथी रकम जो है वो 5 है। इसमें ना पहली रकम दी गई है, ठीक है, ना कॉमन डिफरेंस दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया हुआ है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है इसमें है कि कॉमन डिफरेंस -2 हो, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करेंगे कि भाई हमने 17वीं जो है वो रकम मालूम करनी है, तो वो हमारी आ गई जो है वो अपना क्या नाम है क्वेश्चन मार्क आ गई, ठीक है। और चौथी रकम जो है वो हमारे पास 5 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है। अब हम क्या करेंगे कि रकम 17th के लिए हमारे पास जो जनरल टर्म फार्मूला था ना, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि भाई अगर A17 को हम जनरल टर्म फार्मूला में डिस्कस करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा A17 इज इक्वल टू A1 प्लस 17 माइनस 1 माइनस 2। क्योंकि अगर 17 टर्म दी नहीं गई लेकिन यहां पर an हुआ करता है ना, यहां पर an हुआ करता है, तो n की जगह पर यहां पर 17 है, तो यहां पर भी n हुआ करता है जनरल टर्म में, तो हम 17 की जगह पर 17 n की जगह पर 17 पुट करेंगे, ठीक है। और इधर d हुआ करता है तो d की जगह पर d पुट करेंगे। मतलब कि हम पहले इसको जनरल टर्म फार्मूला में पुट करेंगे, हमें मिलेगा A17 इज इक्वल टू A1 माइनस 32। अब ये A1 रकम नहीं है, इस A1 को हासिल करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। अगर A1 यहां पर होती तो फिर हमने तो सिंपली हाल ही कर लेना था, तो यहां पर A1 नहीं दी गई। A1 हासिल करने के लिए सिर्फ हमें ये A4 दी गई है, तो A4 को भी हमने डिस्कस करने के लिए जर्नल फार्मूले में जाना है, क्योंकि हर टर्म जो है अगर कोई भी टर्म हो तो वो जनरल टर्म फार्मूले से होके गुजरती है, ठीक है। अब चाहे A17 हो, चाहे A16 हो, चाहे A5 हो, चाहे A2 हो, कोई भी रकम हो तो उसको हम जो है जनरल फार्मूले के तहत लिख सकते हैं। तो अगर हम A4 को जनरल फार्मूले में लिखेंगे तो ये इसको भी हमने लिखना होगा A1 प्लस 4 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेम है तो कॉमन डिफरेंस इसके लिए भी माइनस 4 रहेगा, ठीक है। अब A4 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, ठीक है। अब 4 इसके साथ, सॉरी 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। A1 हमने सेम रखा, ठीक है, ये आपने नहीं लिखना। अब यहां पर देखेंगे कि A1 बराबर है 5 और इसके साथ माइनस 6 है, माइनस 6 अगर 5 के पास चला जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस है, इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 6 और 5 के आ जाएंगे 11, तो यहां पर हमें A1 आ गई। अगर अब हमें A1 आ गई, इसमें पुट करेंगे तो A17 की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली A17 सेम रखेंगे। अब ये 11, क्योंकि A17 किसके बराबर है, A1 माइनस 32 के बराबर है, अब A1 की जगह पर 11 पुट करेंगे, बाकी माइनस 32 सेम रखेंगे। ये A की जगह पर मैंने 11 पुट किया हुआ है, माइनस 32 सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो 32 में से 11 चले जाएंगे तो माइनस 21 बचेंगे, तो वो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जो जिसके बारे में ये सवाल किया गया है और जिसकी चौथी रकम 5 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो उसकी पहली रकम हो जाएगी 11, ठीक है, पहली रकम हो जाएगी 11, चौथी रकम हो जाएगी
पांच। ये कम क्यों हो रही है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस में है। याद रखें, कॉमन डिफरेंस माइनस में होगा तो ए वन बड़ी होगी और लास्ट टर्म छोटी होगी, ये आप ध्यान में रख लें। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर माइनस में होगा तो ए वन बड़ी होगी, ए टू उससे छोटी होगी, ए थ्री उससे भी छोटी होगी, ए फोर उससे भी छोटी होगी और लास्ट टर्म सबसे भी छोटी होगी। तो ऐसे ही है, अगर ये कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस में आ जाए तो ए वन सबसे छोटी होगी और इसी तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो रकमें भी बढ़ती जाएंगी। अगर कॉमन डिफरेंस प्लस में हुआ तो, अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में होगा जैसे जैसे हम रकमें बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रकमें छोटी होती जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको फिर बताता चलूं, क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया है कि एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी 17वीं जो है टर्म मालूम करें जिसकी चौथी टर्म जो है वो पांच है और कॉमन डिफरेंस उसका जो माइनस टू है। इसमें से डेटा जो मिल रहा है हमें वो कि भाई आखिरी टर्म ए 17 आ रही है वो हमने फाइंड करनी है और चौथी टर्म जो है वो पांच के बराबर है और उसका कॉमन डिफरेंस माइनस टू के बराबर है। ठीक है, हमने क्या करना है कि भाई पहले तो आपने ए 17 को जर्नल फार्मूला जो हमने ये जर्नल फार्मूला ठीक है मैंने उधर लिखा नहीं है, थोड़ा शॉर्टकट बनाया है उसका। तो ये जर्नल फार्मूला जो है ए रकम 17 के लिए पहले हम लिखेंगे फिर वो हल करेंगे क्योंकि ए वन हमारे पास नहीं है सिर्फ इसीलिए, फिर ए फोर के लिए भी यही ए जनरल फार्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे उसके थ्रू ए फोर की भी वैल्यू पुट करेंगे। तो ए फोर हमारी जो आ जाएगी तकरीबन ए वन हमारे पास आ जाएगी 11। ठीक है, जैसे ही हमारी ए वन आती है तो इसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। तो अगर इसमें से अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।